पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और गाजीपुर के पूर्व सांसद मनोज सिन्हा की सक्रिय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। 6 अगस्त को जैसे ही भारत के राष्ट्रपति कार्यालय ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाने की घोषणा की, राष्ट्रीय राजनीति और खासकर पूर्वांचल की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। आप पूर्वांचल तो छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस फैसले से चकित हुए हैं। उमर ने एक ट्वीट में लिखा है कि पिछली रात को लोग दूसरे नामों की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि सरकार हमेशा ऐसे नाम सामने लाती है जिसके बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं होगा। जिस चीज को उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में पकड़ा है वही मोदी सरकार की वर्किंग स्टाइल है। इसी स्टाइल का खास हिस्सा बने हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा नाम है और अपनी साफ छवि के लिए जाने जाते हैं। 2019 के चुनाव में हार के बाद मनोज सिन्हा को राज्यसभा सांसद बनाए जाने और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग इस इलाके से कई बार उठी। तब किसे पता था कि मनोज सिन्हा के लिए तो कुछ और ही सोच कर रखा गया था। दरअसल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और दूसरे राज्यों के राज्यपाल के पदों में एक खास अंतर है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ उपराज्यपाल के हाथ में सुरक्षा और ब्यूरोक्रेसी दोनों का ही जिम्मा होगा। अभी जम्मू कश्मीर में कोई सरकार भी नहीं है, ऐसे में सारे प्रशासकीय फैसले उपराज्यपाल को ही लेने हैं। दिल्ली की तरह जब सरकार बनती भी है तो उपराज्यपाल के पास ही सुरक्षा और ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा मोदी सरकार ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर भेजकर एक राजनीतिक संदेश भी देने का काम किया है। बीएचयू से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले मनोज सिन्हा राजनीति के संग संग प्रशासकीय क्षमता के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर में वो मोदी सरकार के लिए तुरुप का इक्का है। मनोज सिन्हा की ये नियुक्ति इस ओर भी इशारा करती है कि वो भाजपा नेतृत्व के भरोसे को लगातार जीतने में कामयाब रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें इस अहम पद पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसी ही और भी हमारी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।